आशा उषा और आशा पर्यवेक्षकों ने एक बार फिर नियमितीकरण और अन्य समस्याओं को लेकर एकजुटता दिखाई है। गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। एक शासकीय कर्मचारी की भांति हर तरह की योजनाओं का न केवल प्रचार प्रसार बल्कि सर्वे जैसे कार्य ही कर रही है, बावजूद इसके अल्प वेतन दिया जा रहा है। जब शासकीय कर्मचारी की भांति काम लिया जा रहा है तो शासकीय कर्मचारी का तमगा क्यों नहीं? हमारी मांग है कि लोकसभा विधानसभा में प्रश्न प्रस्तुत कर हमें स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाकर वेतन बढ़ोतरी हो। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज हम ये समस्या लेके आए कि हम पूरे समस्त खरगोन जिले के आशा और आशा पर्यवेक्षक बहने जो सरकारी काम हमारे ऊपर इतने सारे हैं, उसके बावजूद हमें पंचायत द्वारा कार्य दिए जा रहे हैं, जो एक गलत है, क्योंकि आशाएं पहले से ही हमारे ऊपर इतना काम का बोझ है, उसके बाद भी हमें आयुष्मान का कार्ड दिया जा कार्ड बनाने के लिए दिया जा रहा है। हमारी आशाएं कम पढ़ी लिखी बहने हैं, उन्हें ढंग से मोबाइल भी नहीं चलाते आता, उनको मोबाइल पे बनाने के लिए आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं और मात्र उसके 5 रुपए दे, जो मानदेय 50 रुपए में ऑनलाइन वालों ने मंत्री सचिव ने बनाए, वही आयुष्मान कार्ड हमारे से मात्र 5 रुपए में बनवाए जा रहे हैं। तो क्या ये कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि क्या ये सही है? हमारे साथ न्याय हो रहा है क्या? अगर आप काम करवा रहे हैं तो काम का सही दाम दो हमको, है ना? तो हम यही चाहते हैं कि अगर आपको हमारे से काम करवाना है तो सही मानदेय दिया जाए या हमको नियमित कर जाए। आप जो काम हमारे से करवाएंगे हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। हमें नियमित कर्मचारी कर दे, हमारे वेतन ठीक से कर दे, हम जो आप जो बोलेंगे वो करेंगे। आप आयुष्मान बनाओ, हमको स्वास्थ्य विभाग काम दो, कोई अन्य काम दो, हम करने के लिए तैयार है। वैसे भी हम दैनिक कर्मचारी की तरह दिन रात एक कर रहे हैं। मालू सेन महेश्वर मांगे लेके आए हैं, सभी 9 ब्लॉक से सभी आशा और आशा पर्यवेक्षक और उषा बहने आए हैं कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देने आए है कि जो हमको पंचायत द्वारा कार्य दिए जाते हैं, हम हमारे स्वास्थ्य विभाग का कार्य करते ही साथ में हमको पंचायत द्वारा कई प्रकार के कार्य काम करने को दिया जाता है। इसलिए हम यही ज्ञापन देने आए हैं कि हम काम करने को तैयार है, हमको जिस काम का पैसा मिलेगा उस काम हम करेंगे, क्योंकि आशा का कोई मानदंड नहीं है। आशा को सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता बहुत प्रकार के कार्यक्रम करती है और उसी का उसको मानधन का पैसा मिलता है, बाकी का किसी का नहीं। क्योंकि कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी आता है, आशा को उठा के बोल देता है आपको ये सर्वे करना है, वो सर्वे करना है, अभी कुष्ठ चला, उसके बाद में अभी भी जन सेवा सर्वे चल रहा है, उसके बाद में आयुष्मान कार्ड बनवाने का बोला है। इसीलिए हमारी आशाएं बहने सब मानसिक तौर से परेशान हो रही है, वो है ना स्वास्थ्य सेवाओं पे बराबर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारा काम पिछड़ है। इसलिए हमें आ रहा है यही कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारा फिक्स वेतन किया जाए और हमें और काम करने को हम तैयार काम करने को तैयार है, सिर्फ हमको उनको काम का दाम दिया जाए। क्या नाम है आपका? श्रीमती साधना राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।